स्वागत है आपका ऐसे एक नई वीडियो के अंदर। आज क्या चेंज हुआ है मार्केट के अंदर और मीम कॉइंस के अंदर क्या चल रहा है और ट्विटर पे क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट निकल के सामने आई है मार्केट के रिलेटिव, तो पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैप की, तो सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो काफ़ी ऊपर जाके ओपन हुई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा नीचे आया हुआ है। 2.53 ट्रिलियन यानी कि 70.79% डिक्रीज है, वो भी 24 आवर्स के अंदर नहीं, जब मार्केट ओपन हुई उसके बाद। कल से तो बड़ा ही है। और वहीं पे दोस्तों हालविंग की बात यहाँ पे डेली हो रही है, और हालविंग में जो दिन बचे हैं यहाँ पे 14 दिन और 9 हॉर्स, यानी कि 9 हॉर्स के बाद यहाँ पे 13 दिन अपडेट हो जाएंगे, वो भी आज ही। सिर्फ और सिर्फ 13 डेज ही रिमेनिंग बचे हुए हैं। और जैसा मैं डेली बोलता हूँ, बिटकॉइन कहाँ तक पहुँचा है ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हालविंग होने वाली है और बिटकॉइन को 80 से 90 के पहुंचना है हालविंग तक। और यहाँ पे कल क्या शाम की बात करें 66.5 प्राइस चल रहा था, तो लगभग 1500 तक का यहाँ सफ़र तय हो चुका हुआ, तो ज़्यादा था यहाँ पे, लेकिन अभी 67,958 यानी कि 68,000 के बिल्कुल नज़दीक ट्रेड करता हुआ बिटकॉइन नज़र आ रहा है। फियर एंड ग्रीड मीटर की बात करें तो 74 पे बना हुआ है। बाकी कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है और ट्विटर के अंदर क्या है वो ही चलते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए पेपेन कॉइन, तो यहाँ पे 4% की गिरावट है, क्योंकि मैंने कल शाम को भी बताया था कि जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर एक बड़ा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट अच्छा कर रही है, लेकिन मीम कॉइन थोड़ा दबाव के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोज कॉइन काफ़ी गिरा था कल भी 20%, तो आज बात करें 15% अभी भी गिरावट डोज कॉइन के अंदर बनी हुई है। रिकवरी का कोई भी यहाँ पे अभी माहौल नज़र नहीं आ रहा है। और फ्लोकिनो कॉइन 19 की सीरीज, यहाँ भी 5 से 6% गिरावट। और शिबा इनू कॉइन कल नहीं गिरा था, लेकिन शाम को 26 की सीरीज पहुँच चुका है। अगर 25 या 24 की सीरीज आती है शिबा इनू कॉइन के, तो बाइंग जोन वहीं बनता है। अगर किसी को एंट्री नहीं बनाई है तो वो एंट्री वहाँ पे बनाई जा सकती है। तो चलते हैं दोस्तों ट्विटर पे क्या अनाउंसमेंट है वो भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं और लगातार आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स देते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो ट्वीट निकल के आया, शानदार, कॉइनबेस से बिटकॉइन डिप्स आर लाइकली टू बी मोर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है दोस्तों कि बिटकॉइन डाउनफॉल के अंदर एक बड़ी यहाँ पे बकेट बाय किया गया, क्योंकि लोग जो पसंद कर रहे हैं वो डिजिटल गोल्ड यानी कि बिटकॉइन, डिजिटल गोल्ड इसका दूसरा नाम दोस्तों पड़ चुका है, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और डिप के अंदर ज़्यादा बाइंग यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली है, और यही तो चाहिए भाई, बाइंग होगी तो तभी प्राइस ऊपर होगा। और हालविंग के रिलेटिव यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों, लगभग 2 वीक अवे सिर्फ और सिर्फ बचे हैं हालविंग के लिए। और अगला ट्वीट है दोस्तों, क्रेजी हो चुके हैं लोग, आपको बता दिया जाए, बिटकॉइन हालविंग काउंटडाउन क्लॉक स्पॉट ऑन बिल्डिंग इन थाईलैंड। तो भाई क्रेजी, इसको बोलते हैं क्रेजी होना दोस्तों, क्योंकि थाईलैंड की एक बड़ी बिल्डिंग पे जो काउंटडाउन क्लॉक है बिटकॉइन की वो यहाँ पे नज़र आई है। तो कहाँ तक क्रेजी है लोग ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो हालविंग को लेके, क्योंकि हालविंग के बाद ही बिटकॉइन का प्राइस एक बड़ा पंप, जिसको बोलते हैं ना बुल रन का मतलब एक दिन में भी 10,000 तक बढ़ सकता है, ऐसा बुल रन देखने के मिलने के चांसेज हैं अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की जाए हालविंग के लिए। और हालविंग अहम है दोस्तों बिटकॉइन के लिए और सभी मार्केट के अल्टकॉइन सभी के लिए, क्योंकि बिटकॉइन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अकेला बढ़ेगा, शिबा इनू कॉइन, मीम कॉइन्स की बात कर लो, भले एथेरियम की बात कर लो, सभी बढ़ेंगे, अच्छा खासा पंप सभी के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आप सीख सकते हैं दोस्तों कि 13 ईयर एगो, अगर 13 साल पहले की बात की जाए तो बिटकॉइन का प्राइस क्या था, ओनली ऑन 7.78 सेंट यानी कि $1 से भी नीचे। और उस टाइम अगर किसी ने बात यह कही होगी 13 साल पहले कि बिटकॉइन तो भाई $1,00,000 जाएगा, तो जीरो यानी कि सेंट के अंदर $1 भी प्राइस नहीं था, तो लोग उसको कह रहे होंगे भाई बेवकूफ़ी वाली बात ये मानी जाएगी, क्योंकि उस टाइम किसी ने इतना अंदाज़ा नहीं लगाया होगा और आज भी नहीं लगा रहे हैं पा रहे हैं लोग दोस्तों। अगर उस टाइम को छोड़ दीजिए, आज की बात की जाए बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन यही इस बुल रन के अंदर मान लीजिए 4 लाख या 3.5 लाख या 3 लाख भी चला जाता है, तो नेक्स्ट बुल रन के अंदर क्या आप उम्मीद करते हो? अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भाई कहाँ तक जा सकता है, 20 लाख 25 लाख, यही निकल के आएगा सामने जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो यही आंकड़े निकलने के आने चाहिए। तो अभी भी
अगर उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए 13 साल पहले, आज भी लोग डर रहे हैं, आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आज भी हो, अगर इतना बढ़ रहा है लगातार, तो अगले 13 साल कैसे होने वाले हैं बिटकॉइन के लिए, वो भी एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कंट्री लॉन्चिंग न्यू फिजिकल बकेट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोडक्ट दिस ईयर, तो कौन सी कंट्रियों ने बिटकॉइन के लिए बड़े प्रोडक्ट जो कि एक्सचेंजेस है और भी कुछ हैं, कौन कौन सी कंट्रियों ने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया है? USA, इंग्लैंड और जर्मनी, तीन बड़ी कंट्रियाँ हैं जो जिन्होंने एक्सचेंज भी बढ़ाए हैं इसके और बिटकॉइन के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये थी दोस्तों अपडेट बिटकॉइन और रिलेटिव मार्केट के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।